हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट ओबीजी का एक्लैम्पसिया। प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्लैम्पसिया क्या होता है, उसी का कॉम्प्लिकेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्लैम्पसिया क्या होता है, हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है, आइदर जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोई सी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिएगा, हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इजी वे के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और गारंटी है आपको 101% समझ में आ जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्लास को लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 101% समझ में आ जाएगा। एक्लैम्पसिया क्या होता है, एक्लैम्पसिया हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्लैम्पसिया का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या डेफिनेशन होगी, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स है, क्या कॉज है, क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस है, वो सारा हम मैनेजमेंट सब लोग हम लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक डिस्कस करेंगे। एक्लैम्पसिया होता क्या है, एक्लैम्पसिया की डेफिनेशन पता होनी चाहिए सबसे पहले तो अपने को एक्लैम्पसिया पढ़ने से, क्योंकि उसी का कॉम्प्लिकेशन है। प्री एक्लैम्पसिया में क्या हो रहा था, प्री एक्लैम्पसिया में क्या हो रहा था, जो बॉडी का टेम्परेचर है, सॉरी जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो 140/90 mmHg से क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो वो तो इसके अंदर हो ही रहा है, प्री एक्लैम्पसिया की कंडीशन है ये तो। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जब प्री एक्लैम्पसिया के अंदर ये जो ब्लड प्रेशर है वो तो इंक्रीज होगा, इसी के साथ साथ यहां पर क्या हो जाएगा, पेशेंट को सीजर भी डेवलप हो जाएंगे। सीजर डेवलप होंगे, कौन से टाइप के सीजर डेवलप होंगे, यहां पर ग्रान मॉल टाइप सीजर, ठीक है, ये डेवलप हो जाएंगे इसी के साथ साथ। अगर ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज है, इसी के साथ साथ जो सीजर है वो भी डेवलप हो जाएंगे, साथ ही साथ पेशेंट किसमें भी जा सकता है, कोमा के अंदर जा सकता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। एक्लैम्पसिया क्या होता है, एक्लैम्पसिया इज ए कंडीशन या इट इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लैम्पसिया इन विच द पेशेंट हैज सीजर्स with grand mal type seizure and coma, साथ ही साथ पेशेंट को ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हुआ हुआ मिलेगा। अब आता है ये जो कोज है कन्वर्जन का, जो सीजर है वो डेवलप हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोज कैसे हो रहा है, कोजेज ऑफ सीजर, कोज कैसे हो रहा है, जो सीजर हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, ड्यू टू स्पास्म ऑफ सेरिब्रल वेसल्स, जो सेरिब्रल स्पास्म है उसके अंदर क्या होगा, स्पास्म होगा, और सेरिब्रल स्पास्म होने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज सेरिब्रल रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस है सेरिब्रल वेसल्स का वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो ऑटो कंजप्शन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ऑटो कंजप्शन इन सेरिब्रल वेसल्स। ये ध्यान से समझिएगा, मैं वापस से समझाऊंगा, स्पास्म हो रहा है सेरिब्रल वेसल्स के अंदर, उसकी वजह से इंक्रीज सेरिब्रल रेसिस्टेंस होगा, और वहां पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई होने कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, एनोरेक्सिया होगा, ऑब्वियसली एनोरेक्सिया, ठीक है। एनोरेक्सिया होने की वजह से फिर क्या होगा, यहां पर जो सेरिब्रल इडिमा होगा, जो सेरिब्रल वेसल्स है उसके अंदर क्या हो जाएगा, इडिमा होगा, सेरिब्रल इडिमा क्या होगा, सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, फिर सेरिब्रल डिसरिथमिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेरिब्रल डिसरिथमिया, सेरिब्रल डिसरिथमिया होगा, और सेरिब्रल डिसरिथमिया होने की वजह से क्या होगा, जो एक्सेसिव एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो इंक्रीज होगा, एक्सेसिव रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या हो जाएगा, एक्सेसिव रिलीज हो जाएगा, स्पेशली किसका, ग्लूकोनेट, कौन सा हो जाएगा,
ग्लूकोनेट का, ग्लूकोनेट जो एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर है उसका एक्सेसिव रिलीज होगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्लेम्सिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्लेम्सिया हो जाएगा, यानी मीनिंग मींस सीजर हो जाएगा पेशेंट। तो ये स्पाज्म होने की जो सेरेब्रल वेसल्स है, जो भी ब्रेन की वेसल्स है, उसके अंदर क्या होगा, स्पाज्म होगा, इंक्रीज वेस्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ेगा और वेस्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई में कम हो जाएगी, एनोरेक्सिया होगा, सेरेब्रल एडिमा, सेरेब्रल डिसरेमिया होगा और एक्सेसिव रिलीज होगा किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का, और ये क्या कोर्स करेगा, सीजर कोर्स करेगा, एक्लेम्सिया कोर्स करेगा। ओके, नाउ आता है इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स देखने से पहले इसकी स्टेजेस देखते हैं, स्टेजेस कौन कौन सी होंगी। स्टेजेस इसके अंदर किसकी आएगी, ऑब्वियसली सीजर ही आएगी। तो इसके अंदर सबसे पहले जो स्टेज आएगी वो आएगी प्री मॉनिटरिंग स्टेज। स्टेजेस, स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज क्या होगी, प्री मॉनिटरिंग। जो सीजर होंगे उसकी सबसे पहले स्टेज होगी प्री मॉनिटरिंग स्टेज। प्री मॉनिटरिंग स्टेज कितना टाइम होगा, इसका टाइम ड्यूरेशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 30 सेकेंड्स। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 30 सेकेंड्स का। नेक्स्ट आता है इसमें टॉनिक स्टेज, टॉनिक। थर्ड आएगा इसके अंदर क्लोनिक और लास्ट स्टेज इसके अंदर किसके अंदर आ जाएगी, कोमा। प्री मॉनिटरिंग स्टेज 30 सेकेंड, टॉनिक स्टेज है वो भी 30 सेकेंड की होती है, 30 सेकेंड, और जो क्रोनिक स्टेज है वो 1 to 4 मिनट की होती है टाइम ड्यूरेशन, और लास्ट में आ जाएगा कोमा। तो ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री मॉनिटरिंग स्टेज, टॉनिक, क्रोनिक और कोमा। टाइम ड्यूरेशन 30 सेकेंड, 1 to 4 मिनट और लास्ट वाली आ जाएगी। पेशेंट को अगर ट्रीट नहीं किया तो वो किसके अंदर चल जाएगा, कोमा के अंदर चला जाएगा। तो ये क्या होगी, स्टेजेस ऑफ प्री एक्लेम्सिया। अब आता है इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्लिनिकल फीचर्स। वैसे ये क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा। क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक होने के साथ साथ पेशेंट को हेडेक होगा, हेडेक क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन, ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली इंक्रीज हो रखा है, इंक्रीज बीपी, बीपी भी इंक्रीज हो रखा है, एडिमा भी हो रखा है, एडिमा, इंक्रीज फ्लूइड, जो इंक्रीज फ्लूइड, फ्लूइड का लेवल बढ़ रखा है बॉडी के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। ओके, फ्लूइड क्या हो रखा है, रिटेंशन हो रखा है। ये तो क्या हो गया, इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए, मेन मेन क्लिनिकल फीचर्स है वो क्या होते हैं। अब आता है इसके बाद इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और फीटस को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले देखते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में टन बाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो टन है वो बाइट हो सकती है ड्यूरिंग सीजर। ओके, नेक्स्ट आता है इसके बाद में हैवी ट्रोमा भी हो सकता है, हैवी ट्रोमा, मसल स्पाज्म, क्योंकि जर्की मूवमेंट होता है किसके अंदर, सीजर के अंदर। इसके अलावा पेशेंट को मसल स्पाज्म होने की वजह से फ्रैक्चर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पेशेंट को फ्रैक्चर भी हो सकता है, शॉक हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा, शॉक, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर ट्रीट नहीं किया तो। ये काफी सारे मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकते हैं इसके अंदर। रीनल फेलियर हो गया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर हेमरेज हो गया, ठीक है, रीनल फेलियर हो गया। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि मदर को हो सकते हैं। अब आता है इसके अंदर फीटल
फीटल या न्यूरेट की जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या क्या हो सकते हैं। फीटल कॉम्प्लिकेशन, सबसे पहले फीटल की डेथ भी हो सकती है, फीटस डेथ, प्रीमेच्योरिटी, जो बेबी है वो प्रीमेच्योर हो सकता है, आईयूजीआर हो सकता है, इंट्रायूटराइन डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ फीटस की कॉम्प्लिकेशन है जो कि अगर हो सकते हैं। इसके अलावा फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, और जो प्लेसेंटा के द्वारा इसका प्लेसेंटल इन्फेक्शन भी हो सकता है, प्लेसेंटल इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस भी हो सकता है। ये हो गए इसके फीटस के कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, टाइफाइड, हैवी ट्रॉमा, मसल स्पाज्म, फ्रैक्चर, पल्मोनरी एडिमा, शॉक, डेथ, हेमरेज, रिनल फेलियर, और फीटल कॉम्प्लिकेशन में फीटस की डेथ हो सकती है, प्रीमेच्योरिटी, आईजीआर, इंट्रायूटराइन डेथ हो सकती है, प्लेसेंटल इन्फेक्शन और सेप्सिस हो सकता है। अब आता है इसका मेन है इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे एक्लेम्सिया के पेशेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद इसका मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट के अंदर जो अपने को पेशेंट को क्या होगा, या पेशेंट को एक तो सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, क्यों करवाएंगे सेफ एनवायरनमेंट, क्योंकि पेशेंट को सीजर वगैरह आ रहे तो जो ट्रॉमा है वो होने के चांसेस कम हो जाए, जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, पोजीशंस प्रोवाइड करवाएंगे, फ्लूइड इनटेक आपको कम करेंगे, तो ये अपने को नॉर्मल अपन इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को क्या करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे कॉम्प्लिकेशंस का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। आता है इसके बाद स्पेसिफिक मैनेजमेंट, ये तो क्या हो गया नॉर्मल मैनेजमेंट है जो कि हम लोग पेशेंट की जो प्रिवेंट कर सकते हैं फर्दर इंजरी के लिए, ताकि कोई फर्दर इंजरी ना हो। अब आता है इसके बाद इसका स्पेसिफिक मैनेजमेंट, वो है इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक मैनेजमेंट में पेशेंट को एंटी कन्वल्सेंट, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स क्या करेगी पेशेंट को, जो कन्वल्सेंट्स आ रहे हैं उसको कम करेगी, और क्या करेगी वेसो डायलेशन का काम भी करती है, ब्लड जो वेसल्स है वो क्या हो रही थी स्पाज्म हो रही थी, तो ब्लड वेसल्स क्या होगी डायलेट होगी। इसके अंदर जो एंटी कन्वल्सेंट है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है एक्लेम्सिया की MGSO4 ये होती है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्लेम्सिया MGSO4। ये क्या करती है ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, और जो कन्वल्सेंट्स आ रहे हैं वो एक्साइटेटरी इंपल्स बढ़ रही है न्यूरोट्रांसमीटर की उसको भी कम करता है। ये क्या हो गया स्पेसिफिक मैनेजमेंट एंटी कन्वल्सेंट्स देगी पेशेंट को। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जैसा कि मैंने बताया था कि एक्लेम्सिया के अंदर जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे जिससे कि जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा, और जो एडिमा हो रहा है उसके लिए पेशेंट को क्या क्या देंगे डायुरेटिक्स देंगे, जो लासिक्स है वो दे सकते हैं फ्लुरिज़ेमाइड। ओके ये इसका स्पेसिफिक मैनेजमेंट हो गया। कौन सा हो गया सबसे पहला एंटी कन्वल्सेंट, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और एंटी डायुरेटिक ड्रग्स, ये अपन इसको स्पेसिफिक ड्रग्स के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है तो ये था इसका मेन है इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट डाइट एंटी हाइपरटेंसिव लोबेटरोल हाइड्रोलेजिन वगैरह ये हम लोग इसके अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन पेशेंट को अगर पेशेंट ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो रखा है तो उस कंडीशन के अंदर इंडक्शन ऑफ सीजेरियन सेक्शन करवा के वहां पर अपन क्या कर सकते हैं डिलीवर करवा सकते हैं, बर्थ डिलीवर करवा सकते हैं फीटस का। इसके अलावा अगर पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी के लिए पॉसिबल है तो वहां पर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देके वहां पर नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल करवा सकते हैं। तो ये था इसका मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर ऐड होइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।